ठीक है भाई, फॉर्मूला लग गया। चलो आगे देखते हैं, देखना लो। Determination of different planes in different lattice. Determination of different planes in different cubic lattice. Now, the cubic की बात करें, cubic की बात। चलो देखो भाई, एक हमने पहला ले लिया एससीसी। भैया अब बोर्ड पर ध्यान से बस चपड़ चपड़ करी बिना यहां पर ध्यान दे। हमने ये दो क्यूब आपस में चिपका रखे, कितने हैं ये दो, जल्दी करो। कहां मेरा का वाला, मेरा वाला ना इधर आके मुझे बात होती है, इधर ना 5 मिनट लेट ऑफ सर्विस कर। और कोई सवाल है यार? देखो भाई, मैंने यहाँ पर एससीसी स्ट्रक्चर बनाया, आपको यहाँ प्लेन में अलग अलग तरीके के जितने आप प्लेन यहाँ पर बना सकते हो वो आपको सोचना। एससीसी स्ट्रक्चर का मतलब कॉर्नर्स पर केवल क्या होंगे, एटम्स। एक एससीसी ये हो गया, दूसरा मैंने इसके साथ में ये चिपका, एक ये हो गया
और दूसरा मैंने ये या इसके साथ ये ऐसे से सोचो आप पहली कंडीशन हो सकता है प्लेन हम इसको ले ये जो रखा हुआ है आगे वाला जा सकता भी तो इसका तो नहीं प्लेन हमको इस तरीके से बनाना है कि एटम से टच होनी चाहिए लाइन वहां तक खींचेगी ना एटम रखा हुआ समझ गए जहां एटम रखा हुआ है वहां तक लाइन खींचनी है एक पहला तो ये हो गया भाई हम यहां तक इसको ले सकते हैं कोई बात नहीं और कौन सा ले सकते हो एक बच्चा के सर देखो हम इसको भी ले सकते हैं यानी कि हमने क्या ले लिया फेस ले लिया अब कोई सा फेस लो सभी फेस एक जैसे हैं और सभी फेस कौन से होंगे डी वन जीरो जीरो इसमें दो लाइन पैरेलल होंगी और एक लाइन बन इसको लोगे तो बीजेपी आएगी कंडीशन इसको लोगे तो बीजेपी छह की छह फेसों में एक जैसी कंडीशन पता तो इतना हो सकता है किसी में वन जीरो जीरो होगा किसी में जीरो वन जीरो होगा किसी में जीरो जीरो वन लेकिन फेस कैसे ठीक है भाई तो ये तो पहली फेस की बात हो गई अब दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है कि हो सकता है कि हम दो एटम्स को मिला दें ये इस तरीके से और इसको मैं यहां से यूं अब ये कौन सा बन गया वन वन जीरो ठीक है भाई हमने क्या किया एक को पैरेलल कर लिया और दो को मिक्स कर लिया तीन कंडीशन है अपनी बात तो तीन कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं तीनों में से एक को हम फिक्स कर सकते हैं दो को पैरेलल कर सकते हैं एक बार एक को दो को फिक्स कर सकते हैं एक को पैरेलल कर सकते हैं तो तीसरी कंडीशन में तीनों को फिक्स कर सकते हैं तीनों फिक्स कैसे होंगे ये बन गया बोलो भाई जाओ क्लियर पॉइंट ये कौन सा हो गया D1 तो क्यूब एक्सिस स्ट्रक्चर में हमारे पास तीन कंडीशंस पॉसिबल है क्यों क्योंकि यहां पर सारे एटम्स कहां अटैच हैं केवल और पर ठीक है भाई हो जाओ इसमें क्लियर पॉइंट अब इनके लिए यदि अपन रिलेशंस निकालें रिलेशंस क्या होंगे D is equal to A upon root of H K L 1 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर यहां क्या हो जाएगा D is equal to A upon root of 1 का स्क्वायर 0 का स्क्वायर यहां क्या हो जाएगा D is equal to A upon root of 1 1 1 कितना हो गया a by root 2 और यहां पर d 111 a by root 3 कौन सा हम लेंस पढ़ रहे हैं किस टाइप के लेंस पढ़ रहे हैं क्यूब में सभी आर्म्स कैसे होंगे a क्या होगा इक्वल इसलिए यदि मैं यहां d 100 d 110 या d 111 निकाले तो रिलेशन क्या हो जाएगा 1:1/√2:1/√3 जिसको यदि हम लिखें तो 1/1 4 1/1 7 3 अब भैया सॉल्व आप कर लेंगे इसको किताब में दिया हुआ है सॉल्यूशन लेके लिख देता हूं मैं 1:0.707:0.532 577 ये इनका रिलेशन आता है आपको इस तरीके से पेपर में रिलेशन निकालने के लिए आएगा समझ में आ गया कोई डाउट इसमें तो लिखे पहले इन एससीसी क्रश पहले तो हेडिंग डाल देना एससीसी या सिंपल क्यूबिक लैटिस पूरा नाम लिखना चाहो पूरा लिख देना पहला पॉइंट सिंपल क्यूबिक लैटिस या एससीसी In this lattice,
in this lattice the particles are present at all corners on all corners only. Clear?
इसमें क्या है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन ज्यादा है। तरीका यह है कि या तो आप इनको याद रखें, याद रखने का मतलब पेटी यूज करो, ठीक है। अब जैसे कि मैं इसमें बात करूं एमसीसी की, तो पहले हम एमसीसी एक बार समझ लें, फिर आपसे क्या इसमें डिफिकल्टीज हैं वो अपन बात कर लेते हैं। देखो भाई, एफ सी सी की मैं सिंगल स्ट्रक्चर बनाती चल रहा हूँ, जिससे कि थोड़ा सा आपको फेस क्लियर हो कि हम कौन से फेसेस की बात कर रहे हैं। एफ सी सी यानी कि कॉर्नर्स पर एटम होंगे और कहाँ होंगे, फेस पर, यहाँ यहाँ यहाँ, ठीक है भाई, इसके आगे की तरफ यहाँ, इसके यहाँ और इसके पीछे की तरफ। यदि हम इसमें फेस बनाएं तो ये फेस बन जाएगा, ये बन गया फेस, ये फेस बन गया। और ये डिस्टेंस यहां से यहां तक कितनी होगी, ए वाई टू। और जब ये ए वाई टू होगी तो इसके बेसिस पर ये प्लेन डी क्या हो जाएगा, 2 0। यदि बनवा देंगे डबल यू यू नहीं रहेगा बल्कि 2 0, क्यों, क्योंकि हमने 22 का जो पैरामीटर था उसमें उसका रेसिप्रोकल कर देते, 1/2 का रेसिप्रोकल करेंगे 2 का। सिमिलरली यदि अपन इसमें देखें तो कौन सा फेस बन सकता है, एक अपना अगला वही अपन इसमें देखिए, आप ध्यान से इसमें भी अपन देखें तो हम यहां पर फेस जब हम बनाएंगे तो फेस हम इस जगह से बनाएंगे, ये पार्टिकल इस पर टच होगा भाई, ये बीच में से निकलेगा, ये चार पार्टिकल इस पर आते हैं, ये यहाँ आएगा, ये यहाँ, ये यहाँ आएगा, ये यहाँ आएगा और दो आगे, ये बीच में। अब ये फेस कौन सा बन रहा है, डी 220, ये ठीक है भाई। और तीसरा फेस जो इसमें बनेगा वो ही बनेगा जो हमने पहले बनाया था, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। तीसरा कहां बनेगा, ये और ये, ठीक है, D11। देखो कुल मिलाकर के याद ही रखना है, कोई अल्टरनेट नहीं है कि आप इनको लिखा, तरीका नहीं है, क्योंकि हमारे पास एक 3D डायग्राम है और जब हम इसको 3D में देखेंगे तो हमें समझ आएगा, और कॉपी पाए तो ये आपको ये याद ही रखना है, ठीक है भाई। इसमें अब आपको कौन कौन से प्लेन आ गए, इसमें 200 220 और आपको कल भी मैंने ट्रिक बताई थी, एक हम क्या करते हैं एस सी सी लिख लेते हैं, एक एफ सी सी लिख लेते हैं और एक यहाँ 100 यहाँ 110 यहाँ 111। आपको क्या करना, 1 की जगह 2 कर दो, ठीक है, यहां पर 1 की जगह 2 कर दो, किसमें, एफ सी सी में, लेकिन बीसीसी में एजिटिक लिखनी है, एफ सी सी में ये एजिटिक लिखनी है, लेकिन बीसीसी में यहां पर 2 कर दो, ये बता रहे हैं आपको, ये एफ सी सी के प्लेन्स हो गए, ये एफ सी सी के हो गए, ये बीसीसी, ये आपको फिक्स याद रखना है, पेपर में आ जाए आपसे डायग्राम बनाओ भैया इसके बेसिस पर उल्टा करके डायग्राम बना दो, जैसे मैंने अभी बनाया, आपको आधा करना आधा आधा मिक्स करके क्लियर किया। तो अब आप इसका रिलेशन निकालेंगे, यहां क्या हो जाएगा, 2
स्क्वायर, यहां टू और टू का स्क्वायर, ठीक है, यहां पर वन 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 का स्क्वायर, ये तो रूट थ्री आएगा, इसका कितना जाएगा भाई टू, इसका कितना हो गया टू रूट टू रूट टू आएगा भाई, आठ हो गया, आठ में से आपका दो बार आ जाएगा तो टू रूट टू आ जाएगा, और वो कितना आ जाएगा ए बाई रूट थ्री, तो यहां कितना हो गया वन बाई टू टू रूट टू थ्री, इनको सॉल्व करेंगे आप, वैल्यू निकाल लेना कितनी आ रही है उसको लिख देना, अब वन थ्री से जीरो पॉइंट सेवन जीरो सेवन टू से मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसका सबका, टू से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो टू से मल्टीप्लाई करने पर यहाँ वन, यहाँ पर कितना आ जाएगा वन बाई रूट टू, और ये कितना आ जाएगा टू रूट थ्री, यही आएगा भैया टू से मल्टीप्लाई करने पर, इसका तो वन हो गया, इसका भी निकाला जीरो पॉइंट सेवन जीरो सेवन निकाला था, वन बाई रूट थ्री का निकाला था जीरो पॉइंट फाइव सेवन सेवन, इसका डबल कर दो 4, 5, 1.1 ये हो गया, बोलो भाई तो सेकंड एफसीसी एफसीसी लेकिन इन दिस क्रस्टल In these crystals, the particles are present at all corners and faces. Particles are arranged at all corners and faces. ठीक है भैया, अब इसमें इनको बना लो, ये वैल्यूज रख लो, निकाल लीजिए इसकी, और ये रिलेशन निकाल लो, और अब बीसीसी आप कीजिए फटाफट, तरीका बताइए बीसीसी का क्या है, कौन कौन से प्लेन्स हो गए 200 110 और बेटा एक मिनट एक मिनट इनको सही तो कर लो, आप इसे खोल के लिखते हैं
वो उधर ही आएगा। तो ये ये यहाँ पर देखो पहले वाले डायग्राम में तो अपन ऐसे ही बनाए थे, वहां दो क्यूब बनाए थे, यहाँ एक ही बनाया है। Thank you.
देखिए बेटा हमें लिख गया निकाल लिया बेटा बीसी का क्या किया बीसी का क्या आएगा 1:1.414 रेशो 0.57 निकल गया ये यही आएगा यहां पे आ गया 100 110 तो 1 का स्क्वायर तो ये 2 आ गया ये 2 2 2 12 का मतलब 2√3 तो यहाँ क्या हो गया 2 1 1 0 2 2 2 तो ये 1/2 ये तो हो गया 1/2 ये हो गया 1/2 ये आ इसमें जब उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1 हो जाएगा ये √2 रह जाएगा और ये 1/2 रह जाएगा जिसकी वजह से यहाँ पे कहा जाएगा 0.577 और ये 1.414 ये इसका
बोलो बेटा आप इसमें बीसीसी में क्या होगा, पार्टिकल्स कहाँ रहेंगे, कॉर्नर पर और बॉडी सेंटर पर, ये तो डेफिनेशन लिख दी ना उसमें, पार्टिकल्स कहाँ रहेंगे एट, पार्टिकल्स कहाँ रहेंगे एट ऑल कॉर्नर्स एंड बॉडी सेंटर।